ओके तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये यहाँ पे है हमारी गाड़ी मिनी कूपर, इसकी चाबी कुछ ऐसे लग रही है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी क्लियरली। ये देख लीजिए मिनी की बैजिंग। ओके लेट्स अनलॉक दिस, ये देख रहे हो मिनी। वाओ लेट्स गेट इनटू द कार। इसका पुश स्टार्ट यहाँ पे कहीं नहीं आता, इसका पुश स्टार्ट यहाँ पे है। चाबी यहीं रख देता हूँ मैं। ओके द कार हैज स्टार्टेड। और ये देखा ये ऊपर है, इसमें आपको मिनी लिख के दिख रहा है। एंड ये रहा आपका हेड्स अप डिस्प्ले। अब एक काम करते हैं ना, लेट्स गो आउट समवेयर, वी विल ड्राइव द कार एंड आई विल शो यू द कार इन डिटेल आल्सो, वो भी एकदम अच्छे से। तो गियर बॉक्स देखते हैं इसका, पहले सीट बेल्ट लगा दूँ मैं, डाल दिया इनटू ड्राइव। ये रहा ड्राइव, तो इसको पी रिवर्स, ये बटन दबा के रिवर्स कैमरा देख रहे हो, नाइस। अंधेरा है फिर भी अच्छी लाइट है इसमें, इट्स देयर इज नो ग्रेन ऑन इट। ओके पुट इट इन ड्राइव। ओके एंड यहाँ से चलते हैं। तो ये मैं बाहर आ गया टू डू अ टॉक ऑन दिस कार। और ये गाड़ी जो आज हमारे साथ है इज द मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल। अब देखिए मिनी कूपर पे हमने काफ़ी वीडियोस बनाए आपके लिए, वी आर ड्रिवन मेनी कार्स, पर आज मैं सोचा एक यूनिक तरीके से वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, ताकि इस बार हम आपके साथ सेलिब्रेट कर सके। माई आइडिया इज टू गो ऑन अ डेट विद यू गाइज इन दिस स्पेशल कार। और आज वो दिन है क्योंकि हमने जस्ट हिट किए 70 लाख सब्सक्राइबर्स या 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वट एवर यू कॉल इट। सो बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो, आज मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, 2-3 घंटे स्पेशल आपके साथ स्पेंड करते हैं। एक और एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, आप लोग में से काफ़ी लोग हमें इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, हैंडल इज एट मोटरॉक ने, डू गो एंड फॉलो अस देयर। वी आर ट्राइंग टू गेट यू वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, तो वो मत मिस करो। इंस्टाग्राम पे स्पेशल वॉक अराउंड आते हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, एंड दे आर वर्टिकल, सो आपको फोन पे क्लियरली देख सकते हैं। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस कार मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल। तो मैं गाड़ी के अंदर यहाँ आ गया एक लोकेशन पे, और यहाँ पे एक चीज बहुत कूल दिखानी है मुझे, विच इज ओपन। और खुल गया इस गाड़ी का पूरा सनरूफ। सो ये है मिनी कूपर, अंदर से कुछ ऐसे दिखती है गाड़ी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। पहले बैक सीट देखते हैं, यहाँ पे मैंने कैमरा रखा है, आई एम नॉट यूजिंग द कैमरा। मैं सोचा आज फ़ोन से आपको वीडियो बता दूँ, आज मैं सोचा सिर्फ आप लोगों के साथ स्पेशल डे स्पेंड करूँगा। पीछे बैक सीट पे ज़्यादा जगह तो है नहीं, ये आप इसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं इसका लंबा सपोर्ट को, एंड अगर आपको पीछे जाना है देन इन दैट केस आपको ये पीछे करके, भगवान जाने इधर कौन बैठ पाएगा, दैट इज़ नॉट रियली स्पेस। हाँ अगर कोई पलटी मार के बैठे तो पीछे डेफिनेटली बैठ सकता है। इसमें हार्मन कार्डन के स्पीकर से देखिए, दो स्पीकर और ट्वीटर दिख रहे हैं पीछे की तरफ मुझे, और आगे भी यहाँ पे ट्वीटर है, ये स्पीकर है, टोटल 8 स्पीकर्स है इन दिस कार। ओवरऑल इसका डिज़ाइन देख लीजिए कुछ ऐसा लगता है, ये कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ लुक देने की कोशिश की, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली कार्बन फाइबर लुक। यहाँ पे ग्लव बॉक्स देख लो, मैसिव नहीं है, छोटा सा है इनसाइड, और ये कूल नहीं है, कूल भी नहीं है ये। एंड दिस इज़ वॉट यू हैव योर टच स्क्रीन है, वो कुछ एस्प्रेसो में ऐसे ही कुछ टच स्क्रीन आती है ना। सो हाउ डू वी गो आउट फ्रॉम हियर, एंड दिस इज़ वॉट म्यूजिक इज बैंड, इसको कंट्रोल यहाँ से भी होता है। सो ये सारे इसके फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये रहा इसका गियर लिवर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इन डिटेल। ये रही इसकी सीट के बाजू में आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट में ये है, तो ये ऐसे आगे पीछे होता है और आप अपना फ़ोन यहाँ रख सकते हो क्लियरली। सो दिस इज़ वन मोर फीचर दैट इज़ देयर ऑन द कार, और ये उड़ जाता है आपका। सो देयर इज़ दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और आप देखते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील पूरा, पहले सीट पूरी पीछे ले लूँगा मैं इसके लिए। ये ऐसे लगता है इसका स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का, पैडल शिफ्टर्स है इसको। ये रहे आपके कंट्रोल्स फॉर म्यूज़िक लाउडनेस, ये गाना ट्रैक वैक चेंज करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे। तो यू कैन सी दिस, वो आप रेडियो चैनल चेंज कर सकते हो यहाँ पे,
हेड्स अप डिस्प्ले मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ये रहा इसका क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स, ये रहा इसका इंडिकेटर, सब इंडिकेटर है इसके, और ये रहा इसका वाइपर। तो ज़्यादा मैं इंडिकेटर बंद कर दूँ, और अगर मैं इसका स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करूँ तो ये हाइट और रीच अगर करूँ इसका हाइट, तो ये भी ऊपर नीचे होता है, और अगर मैं इसको आगे लूँ तो सिर्फ ये आगे पीछे जाता है, वो सिर्फ ऊपर नीचे जाता है। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा हो, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव योर लॉक अनलॉक के लिए। ये रहा आपका कंट्रोल्स फॉर योर विंडोज़, और ये रहा इसका मिरर एडजस्टमेंट, आप मिरर यहाँ से बंद भी कर सकते हो, काफ़ी क्यूट सी मिरर दी हुई है इस गाड़ी को। एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो अटक जाता है ऊपर से द रूफ। तो इसमें दो स्टेजेस है, आप सनरूफ भी खोल सकते हो खाली, एंड इट्स जस्ट एन ओपन रूफ ऑन टॉप। यहाँ पे मैं एक बार वो करके भी दिखाता हूँ आपको, सो लेट मी जस्ट डू दैट। ये यहाँ से बंद होगा, यहाँ पे यूनियन जैक भी दिया हुआ है इस गाड़ी में, सॉरी आई एम जस्ट गोइंग थोड़ा हे वायर, बट दिस इज़ व्हाट दिस कार ऑफर्स। नीचे देखोगे यहाँ पे आपके पास सिगरेट लाइटर है, विच इज़ नॉट अ वेरी कॉमन थिंग आज के तारीख में गाड़ी में मिलना, इट्स नॉट सो कॉमन। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, फ़ोन रखने के लिए जगह है, दो कप होल्डर्स है इस गाड़ी में। ये रहा इसका सीट एक्सटेंशन, तो ये सीट बंद होता है, यहाँ से खुलता है, बंद होता है, खुलता है, सो दिस इज़ वॉट इज़ डन। बॉटल तो पानी की नहीं बैठेगी एनी वेज, इफ़ यू बाई समथिंग लाइक दिस यू डोंट केयर टू मच अबाउट ऑल ऑफ दैट। यहाँ से आपका बॉनेट खुलता है नीचे दो बार दबाने से इसको, और ये रहा आपका हेडलाइट का कंट्रोल यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक पे रख देते हैं इसको अभी, एक काम करता हूँ इसको ऑन ही कर देता हूँ ताकि मैं जब एक्सटीरियर दिखाऊँ तो यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज देयर ऑन स्पेस। यहाँ पे देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि बैक सीट पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, मैंने सीट पीछे ली थी इस वजह से ज़्यादा जगह नहीं है, पर ये नॉर्मल सीट स्पेस है, मुझे नहीं लगता मैं पीछे बैठ भी पाऊँगा। तो ये रही इस गाड़ी की स्टोरेज स्पेस, पहले चालू करते हैं विद द रियर ऑफ द कार। यहाँ पे देखोगे ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, सिंपलिस्टिक है, दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस कलर स्पेसिफिकली। मिनी कूपर एस इज़ द स्पोर्ट। ये रहा यूनियन जैक, जो इंग्लैंड का झंडा है, इंग्लैंड का झंडा है वो यहाँ पे बनाया दिया गया है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। और ये देख लीजिए इसकी बूट स्पेस डिसेंट इनफ है, और अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो आपकी सीट फोल्ड हो जाती है ये, और आप सामान और पीछे रख सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कैमरा पड़ी हुई है, तो इसको अटका दिया वापस, तो वो कुछ ऐसे दिखती है फ्रॉम द बैक दिस कार। और साइड से अभी दिखाता हूँ इसका लुक कैसा है। यहाँ पे देखोगे तो टिपिकल मिनी स्टाइल है इसकी, ओवरऑल जो इसको व्हील्स मिलते हैं 17 इंच के हैं, पीछे डिस्क ब्रेक है, 17 इंच के टायर्स हैं इसको आगे पीछे दोनों डेफिनेटली। और ये रहा इसका कप, ये सॉरी ऐसा खुलता है, और ये रहा इसका पी पेट्रोल मिनी अर्बन ड्राइव, शायद ये लोग ने गाड़ी कहीं यूज़ की होगी अपने डीलरशिप के ड्राइव के लिए। यहाँ से गाड़ी का पैसिव एंट्री है, ये रहा इसका एक और एक्सपोर्ट बैजिंग, अगेन फ्रंट 17 इंच व्हील्स। चलते हैं टूवर्ड्स द फुल फ्रंट ऑफ द कार। यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये टिपिकल मिनी की स्टाइलिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, एकदम अच्छी दिखती है गाड़ी की डिज़ाइन, एस की बैजिंग, एंड दिस इज़ वॉट इज़ देयर, अ क्रोम स्ट्रिप अराउंड इट। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसको You get these lights on it. So overall गाड़ी की स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन इज़ गुड। दो लोग अगर कहीं जाना चाहते हैं, सबसे सस्ती कन्वर्टेबल है इंडियन मार्केट में आज के तारीख में ये गाड़ी, और हाँ चलाने में भी ज़बरदस्त है। एक बार मैं आपके लिए एग्जॉस्ट भी सुना के दिखाता हूँ आपको, सो आई विल हैव समवन हु कैन रेव द कार।